Nona noa de sobre ko chelka ko kamida seba ko kamida noa lagi ke dadan kana a tehen node noa jan salab rin jelda ke thik ke mota moti kami hui kana aar ja ke thoda bahut baki mera tabo na noa chunav baad aro ke tekte sarkar bon binawa aar ho ke tekte abo apun kamiya aruna noa de sobre ko sarkar घर का बोझा समझ नौवा दसवा ग्यारहवा पास करती नहीं है उसके लिए दूल्हा ढूंढने लगता है सब। ये काम मत कीजिए, बेटियों को पढ़ाइए ताकि उसका आने वाला पीढ़ी पढ़ा लिखा पैदा हो। और अब सरकार के सारे आपकी बेटियों की जिम्मेवारी पढ़ाई लिखाई से लेकर के शादी ब्याह तक हमारे राज्य के कल्याण विभाग के द्वारा बनाए गए छात्रावास में जो हमारे आदिवासी दलित पिछड़ा के बच्चे रह करके पढ़ाई करते हैं, बेचारा कागज कलम किताब तो ढो के लाता ही है, घर से चावल का बोरा भी ढो करके लाता है और अपना से खाना बना करके पढ़ाई भी करता है और खाना भी बनाता है। अभी कल परसों ही हम लोगों ने निर्णय लिया, इस राज्य का जितना भी छात्रावास है उन सभी छात्रावास में छात्रों को मुफ्त खाना सरकार देने का काम करेगी। राज का बकाया देने में इन लोगों का पसीना छूटता है, गरीबों को पेंशन देने का इसका पैसा नहीं है, महिला सशक्तिकरण करने के लिए इनके पास पैसा नहीं है, हमारे नौजवान बेहतर पढ़ाई कर पाए उसके लिए पैसा नहीं है, किसानों को ऋण माफ करने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन इनके व्यापारी साथियों का करोड़ों करोड़ों रुपया माफ करने के लिए इनके पास करोड़ों करोड़ों रुपया। और हमारा ये संकल्प है कि आने वाला 5 साल में इस झारखंड के हर गरीब के घर में 1-1 लाख रुपया पहुंचाने का काम किया जाएगा। जो तो जोहार गी इंगी शिवराज किसको और अब अपना चैनल संथाल को आ जा रहे हैं, मोस्ट वेलकम मिना, स्वागत मिना। तो गाते को आर हो सबसे पहले रे आपे को समांगते इमिते अपडेट इंगो का बामा जे हेमंत सोरेन नीत तो नुआ एलाने वाई मेन का बामा जे छात्रवास आदिवासी छात्रवास यहाँ तक उतना हॉस्टल रे जो तो कोड़ा होल लगी नीत तो ओंडे उनको चावली इदी रे कोनो लगती बनुआ नीत तो उनको उना हॉस्टल रे जो तो हॉस्टल रे चावली कूला प्रत्येक महीना आर अब होड़ कोड़ा रंगे कोड़ा उना हॉस्टल पे चावली इदी बांग हुत कुआ कितब होता बांग हुत कुआ जो तो ओंडे एमओ अमेंते अवेलेबल आबुरन हेमंत सरकार झारखंड सरकार हेमंत सोरेन ठीक है आते को साथ साथ तो नवा मेन का बांग मजे नी तो जहां तने की कटी कटी कोड़ी गिदर को बपलाए को अबो अतु डियतरन नी तो उनको बपलाए कुआ चिदा जे नी तो मेल कन हेमंत सरकार जो तो एमओ कना 1-5 क्लास भी साइकिल एमओ कना पैसा एमओ कना 1-8 क्लास भी साइकिल एमओ कना पैसा एमो करना और लहा से पढ़ा लगी हो आयमा लकाना अनुका बिन आयोजना जादा एमो करना असे अपना जे खतिर ते नी तो हेमंत सोरेन नुआ मेने करना बामा जे जहां की 18 साल लहर को बपला को अलो पढ़ा लहर को बपला को उनको दो जेलिंग कुल को मेनते नुआ हो सरकार नुआ हो सरकार है मेन का मेनते उना एकते नी तो उना एकते नी तो नुआ वीडियो को तो आपे बोई जाम छी ताबो होड़ हपोन से देखो हपोन जाय करना वीडियो प्लीज यार आपे आपेन गिद्र कोसर उसर आलापे बापला को तय पिया चिदा जे नुआ सरकार नुआ नियम में लागू को जहाँ गिलहर गिद्रे बापला को तय उनको उनकुरन आयो बा जेल को चला चिदा जे सरकार जतो एमो कना ओलो पढ़ा की गिद्रे और साथे ओलो पढ़ा अभी और साथे बापला हरि रिया मेरे ताव का हेमल सर नी नुआ मेन कान तीन ऐलान रे ठीक है आरो गाते को तीन आयमा का कथा रोड कदा नुआ सभा रे तो वीडियो हम चे बिन नतुन पे जतो बुनंत कोना तीन वीडियो तो अडी इंटरेस्टिंग है चिदा जे तीन वीडियो रे मतलब दिलचस्पी के नवा भाषण हेमंत सोरेन और चिदा जे इन तीन अयुब वीडियो शूट करना आपे पे बुन जाम का इन सबसे लहर आपे अपडेटिंग में आपना और अपने अल्लाह पुरु को अयुब गया फ्लैश लाइट पे वीडियो बना करना आप इन ले साड़ी ते करना जमन आपे पे अपडेट होमा और नवा भाषण मुचे अनम टाइप पे के जे अड्डी अड्डी मोस्ट इंपोर्टेंट भाषण करना नीत बिरे सबसे यूनिक भाषण करते हैं आमा गन कथा रोड़ का यूनिक और इन आपे को तलाते आमा गन नुका ना कथा अगु सटर करना बामा जे आपे को बुझे पे नाम दा और निये वीडियो को थ्रू ताकि बुझ नामा जे नी तो चे चे को हुयो लगे अब झारखंड रे चे चे को तो चिका लगे अब झारखंड रे चे चे के मन का हेमंत सोरेन जो तो बुझ नामा ठीक है तो हारे ना वीडियो मुझे भी नेलतुन पे जो तो बुझन तो ठीक है तो ना वीडियो मुझे भी नेलतुन पे ओके आए वे आप सभी लोगों को मेरी ओर से जोहार।
जोहार। और गिरिडीह जिला के संयुक्त रूप से यहाँ लोग उपस्थित हुए हैं। हमारे पूर्व वक्ताओं ने लगभग सभी बातें आपके समक्ष रख दी हैं। उनाते जस्ती कथा बाई रोड़ा आबोरन मानोतान को सनाम कथा लगभग को लई सुदोरा पिया ताव रहो इन नुंका के समय समय रे पूरा झारखंड दिशा में दड़ा दड़ा कते नेलेदा कि राज्य सरकार रे नुआ दिशा में होड़ को लगी कमी को चला कान तबोना से बांग चला कान तबोना अभी टीवी के माध्यम से आप लोगों ने देखा, हमने बार बार इस बात को अंकित किया है कि यह सरकार व्यापारियों की सरकार नहीं है, यह सरकार झारखंडियों के मूलवासी आदिवासियों की सरकार है। इसलिए यह सरकार रांची से नहीं गांव से चलती है। सरकार बनने के बाद कई चुनौतियों को देखने के बाद और कई चुनौतियों से लड़ने के बाद लगातार हम लोग यहाँ के मूलवासी, यहाँ के आदिवासी, दलित, पिछड़े, गरीब, अल्पसंख्यक सभी लोगों के लिए निरंतर हम लोग काम कर रहे हैं। चाहे वो खेती बाड़ी करने वाला हो, लिखने पढ़ने वाला हो, रोजगार करने की इच्छा रखता हो, महिला हो, पुरुष हो, किसान हो, सबके लिए और ऐसा काम कि जिस चीज के लिए आपको जगह जगह धक्के खाने पड़ते थे, दलालों का चक्कर लगाना पड़ता था, वो सब अब धीरे धीरे बंद हो जा रहा है। पहले आप लोग बताइए कि बूढ़ा बुजुर्ग लोगों को पेंशन बनाने के लिए कितना हुज्जत करना पड़ता था, कितना दलालों का चक्कर लगाना पड़ता था। और वो चक्कर इसलिए लगाना पड़ता था कि जो हमारे विरोधी लोग, इन लोगों ने ऐसा कानून बना दिया कि अगर गांव में 50 को बूढ़ा बुजुर्ग लोग हैं तो मात्र 5 को आपको आज पेंशन का कार्ड बनेगा। तो बेचारा सब लोग एक दूसरे का पैर खींचने में लगा रहता और दलाल लोग इस चक्कर में लोगों से पैसा ऐंठ ऐंठ करके अपना चूल्हा चौका चलाता था। हमने ऐसा कानून बना दिया कि अब इस राज्य में जो भी बूढ़ा बुजुर्ग होगा सबको पेंशन देने का काम, और आज नतीजा यह है कि आप डिबरी लगा करके भी बूढ़ा बुजुर्ग लोग को बिना पेंशन का नहीं पाएंगे। आज लोग अपना उम्र गिनता है कि किस दिन हम 50 साल का हो जाएंगे, मेरा पेंशन बन जाएगा। उसी तरीके मैया सम्मान योजना, आप बताइए यहां महिलाएं हैं, कितना आप लोग का ब्लॉक का चक्कर लगाना पड़ा मैया योजना के लिए, कितना दलालों का चक्कर में जाना पड़ा मैया योजना के चक्कर में। कहीं आपको जाना नहीं पड़ा, बल्कि आपके पंचायत में, आपके गांव में आपसे दरखास्त लिख लिख कर करके आपके खाते में पैसा भेजा गया है। नहीं तो 1,000 हो या 1 रुपया हो,
कितनी दिक्कतें गरीबों को होती थी, कहीं किसी को जाने का जरूरत नहीं। आज गांव में, पंचायत में, टोला में ऐसे शिविर लग लग करके आप लोगों की समस्या का समाधान हो रहा है, किसानों का ऋण माफ हो रहा है, गरीबों का बिजली माफ हो रहा है, बिजली का बकाया माफ हो रहा है, बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए अच्छे स्कूल बन रहे हैं। अगर हम योजनाओं के अंदर जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा पूरा योजना के बारे में बताना। हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से हमारे नेतागण आप लोग के बीच में रहते हैं, वो लोग आपको बताते रहते हैं। हम तो देखने आते हैं कि सरकारी मुलाजिम आपके लिए काम करता है कि नहीं, क्योंकि हम इस बार अपने सरकारी मुलाजिमों के लिए भी हम बहुत काम कर रहे हैं। हमारी आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, रसोइया, हम लोगों के सहायक पुलिस कर्मचारी सबको कुछ न कुछ हम लोगों ने मदद किया। कई ऐसे निर्णय, कई ऐसा काम हम लोगों ने किया जो भारत देश में पहली बार इस गरीब पिछड़ा राज्य ने किया है, और आज हमारे कामों को देखकर दूसरे राज्य के लोगों ने उस काम को करना शुरू किया। बहुत सारे उदाहरण, इसीलिए मैं आप लोगों के बीच, आप लोगों का जो हक अधिकार है उसका गठरी बना बना करके आपके गांव में, आपके दरवाजे में भेजने का काम कर रहे हैं। लेकिन अभी दो चार महीना के बाद राज्य में चुनाव होने का घंटी बजने वाला है, इसलिए आजकल पूरे राज्य में कुछ राजनीतिक गिद्ध सब मर्राने लग गया है। कोई असम से आ रहा है तो कोई छत्तीसगढ़ से आ रहा है, अभी छोटा छोटा गिद्ध सब उड़ रहा है, कुछ दिन के बाद बड़ा बड़ा गिद्ध सब आएगा यहाँ पर। और आपके बीच में झूठ का खाना परोसेगा, झूठ का आश्वासन देगा और आपको दिग्भ्रमित करेगा। कोई जात के नाम पर, कोई धर्म के नाम पर, कोई ऊंच के नाम पर, कोई नीच के नाम पर, अगड़ा पिछड़ा के नाम पर ये लोग आपको दिग्भ्रमित करेगा, चुनाव में वोट मांगेगा। इसलिए आप लोग सावधान रहिएगा। ये चार साल इन लोगों ने मुझे इतना परेशान किया, एक तो कोरोना ने हमें दो साल परेशान किया और उसके बाद बाकी दो साल इन हमारे विरोधियों ने कोई कसर नहीं छोड़ा, जेल तक डाल दिया हमको। लेकिन ये आशीर्वाद आप गरीबों का है, यहाँ के मूलवासी आदिवासियों का है, जो मुझे बहुत ज्यादा दिन तक रख नहीं पाए वापस आपके सामने खड़े। और आपके लिए हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं। कोरोना में हम अपने भाइयों को ढो ढो कर करके आपके घर में पहुंचाने का काम किए, आपकी सेवा करते करते हमारे दो दो मंत्री शहीद हो गए। हाजी हुसैन अंसारी साहब बेचारे मधुपुर के बुजुर्ग नेता, हमने लाख मना किया कि आप कोरोना में घर से बाहर मत निकलिए, लेकिन बाहर निकलते रहे और आखिरकार कोरोना ने उसको पकड़ करके अपने साथ ले जाने का काम किया। वही हाल हमारे टाइगर जगन्नाथ महतो जी का हो गया, लाख उनको मना किया, एक बार तो कोरोना उनको ले चुका था, फिर हम उनसे छीन के लेके आए और हमने उस समय भी मना किया कि आप भीड़ में मत जाएं, अभी आप अस्वस्थ हैं, लेकिन आपकी चाहत, आपका मोह उससे छूटा नहीं गया। तबीयत खराब होने के बावजूद भी आपके सेवा में लगे रहे और उसको भी फिर से कोरोना टांग के ले गया। आज उनकी बेवा पत्नी
बेबी देवी जी आज यहाँ बैठी है और इन्हीं के विभाग से महिलाओं को ये सम्मान देने का काम किया जा रहा है। और हमारा विपक्ष लोग बोलता है कोई काम नहीं हो रहा है, क्या यहाँ की महिलाएं, यहाँ के बुजुर्ग, इनसे जाके पूछिए गांव में कि आज गांव में जो लोगों के चेहरे पर मुस्कान है तो ये मुस्कान किस लिए मुस्कान है। इन लोगों ने तो महंगाई आसमान पर चढ़ा दिया, आलू प्याज नमक तेल का दाम, कागज कलम किताब कॉपी का दाम आसमान में चढ़ा दिया, लेकिन गरीबों को राहत देने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा। आज इस महंगाई में आप लोग को सम्मान राशि, वृद्धा पेंशन, सावित्री बाई फूले, गुरुजी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से हम लोग हर संभव गरीबों को मदद पहुंचाने में लगे हैं। अभी तो हम लोगों ने 20 दिन 25 दिन के अंदर यहाँ पर 50 लाख महिला लोगों को सम्मान राशि देने का काम किया है। हम लोग अपना हक अधिकार मांगते हैं तो लाठी पुलिस, झूठा आरोप, जेल यही करवाने का काम करता है। चंद लोगों के मुट्ठी में यह देश का पूरा अर्थव्यवस्था जाके सिमट के रह गया। आज महंगाई आसमान छू रहा है, जो लोग इन लोगों ने मुफ्त का सिलेंडर देश के महिलाओं को बांटा, पहले तो मुफ्त का दिया और बाद में 1200 का सिलेंडर उसके सामने लाके पटक दिया, खरीदो। आज उस सिलेंडर का क्या हालत है, जाके गांव में जाके देखो, उस सिलेंडर के ऊपर कपड़ा गमछा सुखा हुआ या कोई डलिया टोकरी रख के उसमें सामान रखा हुआ है। और आज हम इस राज्य के अपने आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छी शिक्षा व्यवस्था, राज्य के लिए गरीबों को प्राइवेट स्कूलों की तरह शिक्षा मिले, उसकी गुणवत्ता बेहतर करने के लिए पहले चरण में 80 मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय शुरू किए गए और ये आने वाला समय में 5000 से अधिक स्कूल खुलने हैं। हमारे राज्य के कल्याण विभाग के द्वारा बनाए गए छात्रावास में जो हमारे आदिवासी दलित पिछड़ा के बच्चे रह करके पढ़ाई करते हैं, बेचारा कागज कलम किताब तो ढो के लाता ही है, घर से चावल का बोरा भी ढो करके लाता है और अपना से खाना बना करके पढ़ाई भी करता है और खाना भी बनाता है। अभी कल परसों ही हम लोगों ने निर्णय लिया, इस राज्य का जितना भी छात्रावास है उन सभी छात्रावास में छात्रों को मुफ्त खाना सरकार देने का काम करेगी। अब आप हमारे बच्चों को सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है, खाना बनाने का जरूरत नहीं है। तो कई ऐसी चीजें आज ये लोग बोलता है कि वोट के लिए पैसा बांटता है, आजों को घर का बोझा समझती है, 9वां 10वां 11वां पास करती नहीं है उसके लिए दूल्हा ढूंढने लगता है सब। ये काम मत कीजिए, बेटियों को पढ़ाइए ताकि उसका आने वाला पीढ़ी पढ़ा लिखा पैदा हो। और अब सरकार के सारे आपकी बेटियों की जिम्मेवारी पढ़ाई लिखाई से लेकर के शादी ब्याह तक आबोरेन गो बाबा भोया मिश्रा को अब होड़ पन को तो जा थोड़ा अब लजा पड़ा होड़ कना बन जस्ती बाबन रो रो पड़ बढ़ाया, लेकिन आपे पे नेलदा सेता आयु चे लगी चे लिखा आपे लगी ले खमीदा, हड़ा बुढ़ी खौन गिदर पिदर खौन चासा बसा होड़ लगी सराम को लगी जाना बन जाना बन जाना बन जा इन सेटर अपे करना आ नेत इना को हरकत इनकना नुआ
आबो विरोधी होड़ को गान लगातार पे आजोबा कि तहन नुकु विधायक हांते नुते को और दिए को हांते को कुमड़ू ये दी को इन जेल को दी इनकेना और कमी बाको कमी हो चुका इनकेना। लेकिन नुआ विपरीत परिस्थिति ते हो नुआ दिसोम अबुआ वीर दिसोम करा दारे बुरु वीर दुबांग यह धरती वीरों की धरती है। झारखंडियों को डराने वाले अंग्रेज भी यहां आए और अंग्रेज भी भागे हैं। ये तो व्यापारी लोग आते हैं, व्यापारी को लोग झारखंडी लोग कैसे भगाएगा ये तुरंत चुनाव में देखने को मिलेगा। तो इसीलिए आय माहौल नित नुआ चुनाव या समय हिजू करा आतो दिसोम को बोलो आ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाया को अडी बड़ी बड़ी कथा को चेताबोना को हा नेला पे नुआ को आलोबन कमीमा चदा कि नुकु पैसा कौड़ी उनको ठनीना जस्ती बिना सरकार ठेने उनका पैसा बनुआ जाती ना उनको आबोरन विपक्ष रे होड़ा रे पार्टी रे बिना। आज कई ऐसे राज हैं छोटे छोटे झारखंड जैसा राज कह लो सरकार के पास इतना पैसा नहीं है इतना बजट नहीं है जितना भारतीय जनता पार्टी का खजाने में। पंचायत चाहे जिला जिला पूरे देश में इनका ताजमहल जैसा ऑफिस बन रहा है और पैसे के बदौलत देश के आदिवासी दलित पिछड़े अल्पसंख्यक को बेवकूफ बना रहा है। यहाँ घुसपैठिए का बात करता है, लव जिहाद का बात करता है, लैंड जिहाद का बात करता है, तरह तरह की चीजें यहाँ फैलाने का काम करता है और बोलता है आदिवासी का जनसंख्या घटता है। हम बोलते हैं आदिवासी को सरना कोट धर्म क्यों नहीं दिया, हमारा पहचान ही नहीं है तो हमारा गायब होना स्वाभाविक है। झारखंड विधानसभा से हम लोगों ने आदिवासियों के लिए धर्म कोड बनाने का कानून पारित करके केंद्र सरकार को भेजा, वहां कुंडली मार के बैठा हुआ है। देश में लेटरल एंट्री के नाम से आदिवासी दलित के जगह पर बैकडोर से लोगों को घुसाने की तैयारी हो रही है। झारखंड के पिछड़ों के अधिकार हमारे राज्य के पूर्व प्रधान मुख्यमंत्री जी ने जो इस राज्य को 27% का पिछड़ों को आरक्षण मिलता था काट के 14% कर दिया, कमाल है। और हम लोग जब यहां उनकी प्रतिशत बढ़ाने का कानून बना करके दिल्ली भेजते हैं तो ये लोग असंवैधानिक बना देता है, कभी गवर्नर रोक देता है तो कभी दिल्ली सरकार रोक देती है। हम कुछ काम करें वो असंवैधानिक, वो काम करे तो संवैधानिक। 32 के आधार पर खतियानी कानून बनाते हैं तो भाजपा का लोग कोर्ट में जाकर के हमारे इस कानून को असंवैधानिक बना देता है। अभी अब मैया योजना है, यहाँ हम लोगों को महिलाओं को दे रहे हैं, महिला सशक्तिकरण पर हम लोग मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं तो इनको पेट में दर्द हुआ और कोर्ट में जाकर के विरोध दर्ज करा दिया है, अब उसके लिए भी हम लोग को लड़ना है। याद रखिए ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इनके कहने और करने में बहुत फर्क है। और आज महिलाओं को सम्मान देने से रोकने के लिए ये कानून का सहारा ले रहे हैं क्योंकि इनके पास बड़े बड़े वकील हैं, इनके समूह में बड़े बड़े जजेस हैं देश के अंदर जो इस्तीफा दे दे करके चुनाव लड़ करके भारतीय जनता पार्टी का सेवा कर रहे हैं। ये हालत है देश में। इस देश का कौन आदिवासी दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक कितना आपका जज है, कितना आपका बड़ा बड़ा वकील है। और आज इसीलिए हमारे देश में भी आदिवासियों के दलितों के पिछड़ों के अल्पसंख्यक के लोग ऊंचे ऊंचे पदों पर जाए, वकील बने, जज बने। इसीलिए अभी कल परसों हम लोगों ने इस रात के जितने भी वकील हैं इनको पेंशन और सम्मान राशि देने का योजना पारित कर दिया है।
बहुत धीरे धीरे बातें खुल रही है। हम इसलिए और हम बातों को यहीं समाप्त करना चाहेंगे। और भी हमारा कार्यक्रम है नोडे जहात ना पे सौर सटेर कान गोबावा बोया मिश्रा को आई मा समय खोन मिना प्या आरो संगीन संगीन सिनोर या कमी हो मिना तपे आलिया हो कमी मिना इंग मा खेन नोडा नोआ दिसोम रे को चेलका को कमी दा सभा को कमी दा नोआ लगी के इन दड़ान कना आर तहन नोडे नोआ जन सैलाब रे नेलदा के ठीक गे मोटा मोटी कमी हुयु कना आर जागे थोड़ा बहुत बाकी मिना तबो ना नोआ चुनाव बाद आरो केटे ते सरकार बन बिनावा आर हो केटे ते आबो बन कमिया आर ओडा दिसम बन सरयावास आर दिसम बन सजा बनावा नोआ मेन कते कथाज मुचेदा आरो मिदा नोंडे पे सोर्स टेरन उना लगी अडी अडी सराव आर गुण मनाओ जोहार।